सर भारी हो जाता है। हंस रू को कहते हैं, उड़ गया हंसा पड़ रही माटी, और जो लाश पड़ी होती है वो मट्टी है। अच्छा अच्छा नीर नीर मंगाकर काया रतन ए पखाड़ो, फिर क्या करते हैं हम, इसको गुसल देते हैं साफ पानी से। जीना जीना कपड़ा कपड़ा मंगाकर काया वस्त्र ए ओडाड़ो, फिर इसके ऊपर हम कफन बांधते हैं पतले कपड़े से। दोए मिलो मिलो मेरे भाई जी, मिलकर मंजलिए उठाओ, दो दो करके इस तरह चार आदमी मिलकर इसको इसको इस मैयत को जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं। एक स्टेज दूसरे स्टेज और तीसरे स्टेज, इस तरह हम कहते हैं कि अव्वल मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसको ज्ञान में कहा है कि पहली मंजिल मिलो मेरे भाई जी, पहली सो नमाज ए गुजारो, फिर नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। आज तो मैयत कमेटी है, मैयत को ले जाते हैं, इसके पहले ही वहां कब्र खुदी हुई होती है। पहले ऐसा था, ले जाते थे, रखते थे उस जगह को अव्वल मंजिल कहते थे और फिर वहां खुदाई करते थे। पहली मंजिल मिलो मेरे भाई, पहली सो नमाज ए गुजारो, दूजी मंजिल मिलो मेरे भाई, लई राखो गौर ए किनारे। गौर कब्र को कहते हैं, कब्र के किनारे पर दूसरी स्टेज आता है, वहां पर आप रखते हैं। गौर खोदियो खोदियो मेरे भाई, आया बंदा ए दोसारी। खुदाई हो रही है इसलिए जमीन को कह रहा है कि ये गुनहगार बंदा आया है, इसके लिए ये जमीन की खुदाई होती है। अंबर ने धरती, अंबर आसमान को कहते हैं, ऊपर आसमान नीचे धरती है, धरती बिछा करते बीच राखो मेरे भाई, लतियां गुतियां देकर अजब सूरत बनाई, लातें देकर किसी भी तरीके से पावड़े से इसी किसी भी चीज से एक अजब सूरत बनाई जाती है मटियों की, जिसको हम कब्र कहते हैं। और अंदर मैयत का मैसेज क्या है, मुर्दे का, इंसान जिसने दफन किया उसका मैसेज क्या है, तमे जाओ घर जाओ घर जाओ घर आपने, हमको तो जंगल रखसू यारी। बस खुदा को जो मंजूर, हम तो यहां जंगल में रहेंगे, कब्रिस्तान में रहेंगे, तुम लोग जाओ, अब नाता रिश्ता खत्म। ये गिदान बयान करने के बाद पी सदरुद्दीन आखिरी में ये फरमाते हैं, दीनदारों जरा इसको गौर से सुनिए, जो इसका सब्जेक्ट फिलहाल नजर नहीं आता, बने पी सदरुद्दीन सुनो गतियों मोमिनों, गुरमुखे दीजे वस्त ए प्यारी। पी सदरुद्दीन फरमाते हैं कि ऐ गद जमात के मोमिनों, मुर्शिद कामिल के आगे वो चीज पेश करो जो तुम्हें प्यारी है। इस लेक्चर के आखिर में हम इसका खुलासा करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़े कि हम किस तरीके से मट्टी को मट्टी के हवाले करते हैं, कैसे एक मट्टी से बनी हुई डस्ट, क्ले से बनी हुई मट्टी, आबो तीन पानी और मट्टी से बना हुआ ये बदन किस तरह मट्टी के हवाले होता है, और हंस जो है रूह आत्मा जो है प्रवास करके चली जाती है। सब लोग
को एहसास हो कि हमें भी मरना है, दीनदार कंधा देकर कब्रिस्तान जाते हैं। और कुरान शरीफ की जो चार सूरा है छोटी, जो कुल से शुरू होती है, लफ्ज कुल जो है पूरे कुरान में 300 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। और कुल की मिट्टी दी जाती है इस ख्याल से कि इस मिट्टी में हमें भी वापस लौटना है। ये नहीं कि ये गया उसको ये कहो, मैसेज दो, मन में नियत करो कि हमें भी फॉलो करना है तुझे। कई लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, लेकिन पिछले साल तरीका बोर्ड और हेल्थ बोर्ड के बीच में एक मीटिंग हुई थी मैयत कमेटियों के साथ। इसमें ये बताया गया क्योंकि जितनी कब्रें हैं 6 महीने के बाद दोबारा इसको साफ किया जाता है, बुलडोजर किया जाता है और फिर दूसरी कब्रें खोदी जाती है। इससे क्या है कि जमीन से जो मिट्टी निकाली जाती है उसमें हड्डियों का पाउडर होता है, एक किस्म का वायरस के पॉसिबिलिटी है। इसलिए ग्लव्स पहनकर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल तमाम जो दफन के वक्त जमा है उनके तरफ से एक या दो मैयत कमेटी के आदमी ग्लव्स प्लास्टिक के पहनकर कुल की मिट्टी कब्र के हवाले करेंगे। और उस वक्त मिट्टी उठाने के लिए इस वक्त हमें हेल्थ बोर्ड की तरफ से जो ताकीद है मना किया गया है। इसके फलसफे और इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं। हमें जो तालीम दी जाती है, जो नसीहतें दी जाती है, जो हिदायत दी जाती है, उसके ऊपर हमें अमल करना है। यह है क्यामत एक सुगरा, ये छोटी। फिर व्हाट अबाउट रूह, रूह का क्या हुआ, कहां गई रूह? रूह आखिरत की ये पहली मंजिल पे आता है जिसको कुरान में बरज़ख कहा है, जो चार जगह पे इस्तेमाल हुआ है कुरान में। आलम बरज़ख में ये रूह आती है। मैं आपको बताऊं कि इंसान के जो अमाल है, अच्छे अमाल और बुरे अमल, दुनिया में जैसे आता है इसकी एक शक्ल बनती है जिसको जिस्मे फलकी भी कहते हैं, जिसको एथरिक बॉडी कहते हैं। जैसे जैसे इंसान की मौत करीब आती है वो बॉडी तैयार होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो नजर नहीं आती, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उसके भी दो हाथ हैं, सर है, पांव है, पेट है, सब कुछ है। कि जैसे ये दुनिया छोड़ी, खाकी बदन छोड़ा, अपने दूसरे लिबास के अंदर, जिसमें फलकी के अंदर रूह दाखिल होती है, जो हमारे अमल आमाल से बनती है ये बॉडी। कुरान के अंदर इसको कहा है कि तुम्हारे जैसी बॉडी मिसलोकुम, जैसे तुम्हारी बॉडी उस जैसी, वो बॉडी जिस्म वहां तैयार है वो अज्यूम करता है रूह। आलम बरज़ख में ये रूह रहती है, ये बॉडी रहती है और बिल्कुल डेड हालत में होती है। फिर आगे जो दूसरी तीसरी मंजिल जो है जिसको माद कहते हैं, कुरान में 18 नाम दिए गए हैं कयामत के, उसमें से एक जगह एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कयामत के लिए, वो है माद। माद कहते हैं रिटर्न को, लौटने को कहते हैं। आलम बरज़ख को, बरज़ख को हदीसों में कब्र भी कहा है। कब्र ये कब्र नहीं, और कब्र से उठाया जाएगा
यानी आलम बरजख से उठाया जाएगा आखिरत के अंदर। ये सब्जेक्ट बड़ा डिस्कस करने का है, इसमें बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन शॉर्ट में ये कि आलम बरजख यानी रूहानी दुनिया के अंदर इंसान के ऊपर तकलीफ ना पड़े इस वक्त, उस वक्त उस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए हमारे तरीके के अंदर माद उसकी आसान हो, आखिरत इसकी आसान हो, इसलिए मादन का छांटा दिया जाता है। इसको मादन का छांटा, आखिरत के दिन का छांटा, ये चीज जिसने मौला के साथ बैयत की है, मौला के साथ कौन किया है, मौला इसकी गारंटी देते हैं। बॉम्बे के मुखी मेघ जी मूल जी, अगरचे इसकी वफात कराची में हुई थी 1932 में, बम्बई ले गए थे, वहीं उसको दफन किया गया था। ये 1926 की बात बता रहा हूं। मौला के पास हसनाबाद की एक मेहमानी के अंदर एक शख्स ने अर्ज की कि या मौला, तुझे रोशन है कि मैं तेरा मुरीद हूं, लेकिन मेरे घर वाले इस्माइली तरीके के ऊपर अमल नहीं करते, और अगर मैं किसी जमाखाने से करीब भी अगर गुजरता हूं तो मुझ पर शक करते हैं, बिल्कुल सुन्नी तरीका अपनाया हुआ है। मौला, तुझे तो रोशन है कि मेरे दिल में मेरा ईमान सब तेरे सामने है। मौला ने फरमाया, हमें सब रोशन है, बस एक चीज की कमी है कि मैं मर जाऊंगा, ये लोग अपने कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देंगे, मुझे मादन का छांटा नसीब नहीं होगा, उस गरीब मेरे क्या रूह, मेरी रूह की क्या हशर होगी, वो जब चीज याद आती है मुझे बड़ा दुख होता है, रोना आता है। मौला ने उसका हाथ पकड़ा और पंजा दिया, देखो अगर वो वक्त अगर आया हम तुम्हारी रूह को मायूस नहीं करेंगे। 2 साल के बाद इस शख्स का बम्बई के अंदर एक्सीडेंट से इंतकाल हुआ, और ये शख्स इसको दफन की इसके लिए तैयारी हो रही थी सुन्नी तरीके से, क्योंकि किसी को पता नहीं था। मौलाना इमाम सुल्तान महमूद शाह सलवात वाले लंदन से मुखी मेघ जी मूल जी को एक प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल टेलीग्राम किया कि मुखी, आज तुम्हारे मोहल्ले से एक मैयत गुजरेगी, तुम्हारी स्ट्रीट से एक मैयत गुजरेगी, तुम अपनी गैलरी में खड़े होकर प्याला लेकर उस मैयत के ऊपर एक छांटा देना। वो हैरान हो गया, गैलरी में प्याला लेकर खड़ा हो गया, देखा कि वाकई एक मैयत निकल रही है और वो भी गैर की, मगर मौला का हुक्म था कि मैयत जो तू देखे तुझे ऊपर से छांटा देना है। ये मादन का छांटा था, लेकिन बाद में 28 दिसंबर 1928 में जब विलायत से लंदन से मौला जब बॉम्बे आए तो
तो मुखी मेघ जी ने पूछा मौला से कि हमने वो तमाम काम कर लिया। तब मौला ने पर्सनली प्राइवेटली इनको ये बताया कि ये मेरा मुरीद था, इसको हमने कॉल दिया था, वो कॉल हमने तुम्हारे जरिए पूरा किया। मैंने पहले भी मिसाल दी है, इसको रिपीट करूं कि न सिर्फ ये बल्कि जिससे मौला कॉल करते हैं उसको पूरा करते हैं। नैरोबी के अंदर जब मौला काउंट फतेह अली दाला के घर पे मेहमानी का कामकाज कर रहे थे, तब एक औरत काले रंग के बुरके के अंदर बंगले के अंदर दाखिल हुई और वॉलिटर ने इसको रोका। चूंकि ग्राउंड फ्लोर के अंदर वो कामकाज हो रहा था, मौला ने खिड़की से देखा कोई वॉलिटर किसी औरत को रोका हुआ है। मौला ने इशारा किया कि इस औरत को आने दो। जैसे अंदर आई इसने बुरखा उतार लिया, मौला के पास गई, इतना रोई मौला के पास, इतना रोई कि कुछ बात न करे। जब नॉर्मल हुई तब उसने मौला के पास अर्ज रखा कि मौला मैं अफ्रीका में रहती हूं, मेरे जवान बच्चे हैं बंबई में, मेरे घर वालों ने अशनाश्री के यहां मेरी शादी करवा दी, बातन में मैं तुम्हारी मुरीद हूं मौला, तेरी मुरीद हूं, मेरे बच्चे मेरा खाविन मेरा ससुराल खानदान कोई नहीं जानता कि मैं अंदर से कौन सा दीन पालती हूं। मौला ने फरमाया उसके सर पर हाथ रख के मौला ने दुआएं दी और फरमाया कि हमें सब रोशन है। फिर इसके बाद जो ये औरत रोई, इतना रोई तो मौला ने पूछा क्या बात है कि या मौला कि मैं जमात खाने आ नहीं सकती, अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, मर जाऊंगी तो ये लोग अपने इमामबाड़े में ले जाएंगे और अपने कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देंगे, मेरे पीछे सलवात की कोई तस्बीह पढ़ने वाला नहीं होगा। वो घड़ी जब मुझे याद आती है मौला मुझे बहुत दुख होता है। उस वक्त भी मौला ने उससे कॉल लिया, वचन लिया कि अगर ऐसी घड़ी आई तुम्हारी रूहानी को हम मायूस नहीं करेंगे। ये पहली जंगे अजीम थी, जंग का मौका था, उसका भी दाई 3 साल के बाद उस औरत जिसका नाम सुग्राबाई था इंतकाल हो गया। जिनेवा से मौला ने नैरोबी के जमात के मुखी के नाम एक टेलीग्राम भेजा कि आज तुम्हारे शहर के अंदर मेरी एक रूहानी बच्ची का इंतकाल हुआ है, तुम सब शाम को जमात खाने में उस औरत के नाम मेरी रूहानी बच्ची के नाम ज़ियारत करना, और खड़े होकर हुक्म था खड़े होकर इसके नाम की सलवात की तस्बीह पढ़ना और इसके हक में दुआएं करना। किसी को कुछ पता नहीं, जो मौला का हुक्म उसके ऊपर अमल हुआ। फिर बाद में मिशनरियों को पता चला कि ये फलानी औरत थी जो जाहिर में शनाचरी थी बातिन में मौला की मुरीद थी। तो मैं बात कर रहा था कि हम हमें हयाती के अंदर भी और मरने के बाद, हयाती में हज़रत इमाम ये छांटा देते हैं, मरने के बाद ये पावर
जमात के मुखी कामड़िया मुखियानी कामड़िया को मौला ने दिया है, मादन का छांटा। जिंदगी में एक मतवा लिया जाता है, मैयत को तो वैसे भी दिया जाता है, कि आलम बरज़ख में जो रूहानी को पेन होता है, जो तकलीफ होती है, उससे उसको निजात मिलती है। आपको मालूम है हमारे शहर के अंदर 91 के अंदर हाजिर इमाम मुलाकात और मेहमानी का सख्त चांस दिया था, कभी करीमाबाद, कभी गार्डन, कभी खारादर या और जमात खानों के अंदर। डिस्ट्रिक्ट बदीन से 15 दिन हुए थे, रामचंद्र को जो 15 दिन पहले हिंदू था, इस्माइली बना था, और बदीन के अंदर रेडियो पाकिस्तान में इसने खबरें सुनी कि कराची के अंदर हज़र इमाम आए हैं, तो वो कराची पहुंचा अकेला। एक शख्स जो 15 दिन पहले हिंदू था और इस्माइली बना है, इसको कुछ पता नहीं था, वो चलते 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 यहां गार्डन के जमात खाने पहुंचा था और मौला का करना मौला ही बेहतर जाने। क्या मौला का राज कि ये पहले फ्लोर, सेकंड फ्लोर और हत्ता के तीसरे मंजिल तक चढ़ गया, किसी को पता ही नहीं चला, जबकि वहां वॉलंटियर वगैरह था, मगर मौला का हुक्म था। उस जगह उस गैदरिंग में पहुंच गया जहां 50 या 50 साल से बड़ी उम्र के लोगों को मौला मादन के छांटे दे रहे थे। मौला को इसने जब देखा, इसके आंखों में आंसू आ गए, लाइन में बैठ गया। वो नाम रामचंद्र, मुस्लिम नाम मोहम्मद, अकेला कराची पहुंचा है और कैसे ऊपर चढ़ गया मौला बेहतर जाने। जब इसका टर्न आया दीनदारो, लोग कहते हैं जिसने देखा तो मौला ने इसके हाथ पकड़ के इसको सिखाया कि मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़, किसी को नहीं कहते थे। इसको कहा मादन के छांटे के आगे खड़ा है, इसने हाथ जोड़ा और मौला ने नजदीक से इसको कहा कि अपने मन में ये कहा, तो मौला ने इसके हाथ पकड़ के इसको सिखाया कि मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़, किसी को नहीं कहते थे। इसको कहा मादन के छांटे के आगे खड़ा है, इसने हाथ जोड़ा और मौला ने नजदीक से इसको कहा कि अपने मन में ये कहो कि या मौला मेरे जन्मों जन्म के गुनाह माफ कर दे, जन्मों जन्म के गुनाह माफ कर। ये नसीब वालों को ये सवाब पहुंचता है हयाती के अंदर। तो आलम बरज़ख जिसको कब्र कहा है, जो जिसमें फलकी, जिसको जिसमें रूहानी, जिसमें नूरानी बदन बरकी या जामे बेश्ती भी कहते हैं, उस बदन को जो ट्रांसपेरेंट है, इनविजिबल होता है, वो बदन एज्यूम करता है और उस बदन के साथ रहता है। बिल्कुल इस अर्थी मटेरियल, ये खाकी बॉडी की एक डुप्लीकेट होती है। मौला ने फरमान के अंदर फरमाया कि वहां पर तुम्हारा बदन, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव गवाही देंगे कि तुमने चोरी की या बुरा किया, क्योंकि ये आमाल से बनी हुई बॉडी है ना, ये गवाही देगी। हाल तुम खाक हो, फरमान है,
इस खाक से तुम पाक बनो, अगर तुम पाक हो जाओ तो फिर तुम्हारे बदन को जलाया भी जाए या कुत्ते खा जाए, फरमान देखिए, उसमें कोई ऐब नहीं। खाक चीज थी, वो बिल आखिर खाक ही है, लेकिन बदन में जो रूह है वो पाक चीज है। ऐसे इंसान की तो कोई कब्र नहीं बनती, समंदर में डूब गया तो उसकी कोई कब्र नहीं बनती, एरोप्लेन क्रैश हो गया तो उसकी कोई कब्र नहीं बनती। कब्र का जो जिक्र है वह आलम बरज़ख, ये खत्म हो गई बात। आम लोग इस कब्र को कब्र कहते हैं, आलम बरज़ख के अंदर इंसान दूसरा जिस्म लेता है। इस जिस्म को गिनान में अलग अलग अल्फाज में समझाया है, नूरानी वस्त्र, इंसान नूरानी वस्त्र यानी लिबास पहनेगा, नूर वर्णी काया कहा है, नूरानी काया कहा है, सूरज रंगनी काया कहा है, अलग अलग अल्फाज गिनान के अंदर हैं। तो इस तरीके से फिर जब आखिरत होगी तब इसको उठाया जाएगा। तब कुरान में है कि हमने तुम्हें मौत दी, हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें मौत ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें मौत देंगे, फिर तुम्हें उठाएंगे। ये आलम बरज़ख में उठाया जाएगा। तो जो इस दुनिया के अंदर जब तक इंसान खाकी बदन में है, जो इस दुनिया में देखता है उसके मुताबिक शरीयत का अमल है, उसको हमें पूरा करना होता है कि इस जिस्म को हमें अव्वल मंजिल तक पहुंचाना है। और ये वो जमाना था जब अव्वल मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई कमेटियां वगैरह नहीं थी। सन 1842 के अंदर जब इमाम हसन अली शाह अफगानिस्तान के रास्ते सिंध पहुंचे थे, और उस वक्त बाद में इमाम जिरक पहुंचे 1843 में, 1844 सितंबर का महीना था, कराची आए थे, फिर मांडवी के रास्ते कश्ती में बैठकर मौला कच्छ गए, 1845 में बॉम्बे पहुंचे। कुछ सियासी वजूहात की बिना पर मौला को 18 महीने के लिए कलकत्ता रहना पड़ा। 1848 में मौला दरखाना बॉम्बे वापस आए और बॉम्बे को दरखाना डिक्लेयर किया। उस वक्त हमसे अलग होने वाला एक ग्रुप हबीब इब्राहिम, जो 1930 से इनका सिलसिला चल रहा था, एंटी ग्रुप था, और बाद में इमाम के खिलाफ केस किया, इसको हम बार भैया केस कहते हैं, खोजा केस कहते हैं, या इसको आगा खान केस 1866। इमाम जब हिंदुस्तान पहुंचे और बॉम्बे आए तो हमारी हालत क्या थी, 70% तो हम बज़ाहिर हिंदू नजर आते थे, और बाकी जो 30% जो रह चुका था उसमें से 25% तो सुन्नी तरीका था। मौला ने हर तरीके से निकाल कर शिया इमामी तरीके के अंदर इसको ढालना चाहते थे, और बॉम्बे का केस प्रोसेस में था, आगा खान केस। तो मौला ने देखा कि डोंगरी के कब्रिस्तान के अंदर कंप्लीटली सुन्नियों का होल्ड है, इस्माइलियों को गुसल दिया जाता है, मैयतों को, इस्माइली मैयतों को गुसल दिया जाता है, और सब सुन्नी तरीके से इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तब मौला ने
उस वक्त एक सर्कुलर इशू किया, ये 28 अक्टूबर सन 1861 के अंदर, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वजू का तरीका, नमाज का तरीका, मैयत का तरीका, शादी का तरीका शिया इमामी इस्माइली की तरह हो और कोई तरीके के मुताबिक ना हो, तो इस सर्कुलर के ऊपर दस्तखत करो। बॉम्बे में ये डायरी रखी गई, जंजीबार, कच्छ और कराची और मस्कत, हर इलाके के अंदर ये सर्कुलर पहुंचाया, डायरी रखी और इस्माइलियों की अक्सरियत ने इसके ऊपर दस्तखत किए। अब दस्तखत किए मौलाना इस्माइली की, इस्माइलियों का इरादा देखा, तो बॉम्बे अक्सर हम जाते हैं, जिसको हम करीमाबाद कहते हैं, ये कांदी मोहल्ला है पुराना नाम, और जिसको हम दरखाना कहते हैं, वो असल पुराना नाम, भले दरखाना भी है अभी भी, खडक जमाखाना, दोनों के बीच में डोंगरी का कब्रिस्तान है। ये 1790 के अंदर इस्माइलियों के कब्जे में आया था, 12,706 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ये फैला हुआ था। उस वक्त मुखी अल्लाह रखिया सुमार और उसके साथ कामड़िया खाकी पदमसी थे, उन दोनों ने मिलकर 6,978 स्क्वायर यार्ड का मजीद कब्रिस्तान के साथ जुड़ी हुई एक जमीन को खरीदा, और वो खरीदा था सन 1856 में। उस वक्त इसकी कीमत थी तकरीबन 11,500 रुपए। एक नीलाजी लक्ष्म जी नामी हिंदू व्यापारी के पास खरीदा, और आज इतना इनलार्ज जो बड़ा है, ये उस वक्त खरीदा गया था और इसको इनलार्ज किया गया था। जिरक के वारस गुलाम हुसैन, जिसको वारस गुल्लू कहते हैं, ये वाहिद शख्स था बॉम्बे के अंदर जो इस्माइली मैयतों को गुसल देता था। इसके साथ दो औरतें थी जिसका नाम मिलता था, इसके साथ दो औरतें थी जिसका नाम नहीं मिलता। और इस तरीके से, शिया तरीके से, हमारा दुनियावी तौर से जो तरीके का था डिस्पोज ऑफ करना बॉडी को, ये सिलसिला शुरू हुआ था। दो किस्म के ग्रुप थे उस वक्त केस का प्रोसेसिंग, एक बार भाई, ये 12 आदमी थे, 12 भाई, मगर इसका ग्रुप बहुत बड़ा था। ये जमातखाने आते थे, अभी ये लोग नाचबार नहीं हुए थे, इसका बहुत बड़ा ग्रुप था, और ये जमातखाने में दुआ के दरमियान न सजदा देते न शाह का पंजा देते। तब जो पंजा देने वाले दीनदार थे, जो इस्माइली थे, वो मुखी अल्लाह रखिया सुमार के पास शिकायत की कि ये लोग न पंजा देते हैं न सजदा करते हैं, इन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, इनको नाकबार किया जाए। तो मुखी ने मना किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं करो, नफरत बढ़ जाएगी, अभी केस का कामकाज कोर्ट के अंदर चल रहा है, अगर तुम्हें पंजा ना दे छोड़ दो, जो तुम्हें पंजा दे उसके साथ पंजा मिलाओ। तो इस्माइली इस्माइलियों के साथ पंजा देते थे, और ये बार भाई दुआ के दरमियान उनके साथ पंजा नहीं मिलाते थे, इसलिए इस्माइलियों को पंजे भाई कहना शुरू किया गया। पंजा देने वाले भाई, एक वॉलंटियर की तरह एक ग्रुप मुखी और कामरिया के साथ थे। ये लोग कोर्ट की कार्रवाई के अंदर जमात और इमाम के साथ थे, और हर काम के अंदर ये आगे कदम हमेशा आगे रहते थे। अब इनके ग्रुप में से कामड़िया खाकी पदमसी ने सन
सन 1862 के अंदर बॉम्बे में पहली मैयत कमेटी बनाई थी। ये कामरिया खाकी पदंसी, इसकी खिदमत इतनी थी, इतनी इसकी खिदमत थी दीनदारों, गरीबों की मदद करना। आगा खान केस के अंदर अपनी तिजोरी को खुली रखी थी कि कोई इमाम से खर्च न लिया जाए, सब मैं बर्दाश्त करूंगा। और उससे बढ़कर कि गरीब इस्माइलियों के कफन दफन का ये पूरा खर्च देता था, किसी को पता न चले। जब मौलाना इमाम हसन अली शाह 1866 के अंदर कोर्ट का केस जीते, मौला को जब पता चला कि कामरिया खाकी पदमसी के ये कारनामे हैं, मौला ने वाड़ी के अंदर उसको बुलाया, इसके कंधे के ऊपर हाथ रखा। मौला ने फरमाया कि देखो कामरिया, आज हम तुम पर दसों माफ करते हैं, तुम्हारी अजीम खिदमत है, हम तुम्हें दसों से बिल्कुल निजात देते हैं, आज के बाद तुम्हें दसों नहीं देंगे। इतनी खिदमत थी इसकी। कराची के अंदर मुखी अली दीना आसानी जो पहले मुखी थे, ये जो खरादर का वजीर गुलाम हुसैन मोहम्मद अली दारस, जिसका इंतकाल 1973 में हुआ था, ये पहला शख्स था कि जिसने जंजीबार के अंदर मैयत कमेटी का नजरिया पेश किया था सन 1930 के अंदर। अगरचे ये शख्स मतवारा का रहने वाला था, अक्सर ये जंजीबार आता जाता था। ये दारस फैमिली बड़ी मशहूर है, अमेरिका के 52 स्टेट इसमें से एक है अल बुकर की, वहां का जो प्रेजेंट कामरिया सलीम दारस इनका बेटा है, और इनके बड़े भाई आलिजा सदरुद्दीन दारस भी, ये दोनों भाई बड़ी खिदमत देते हैं अमेरिका के अंदर, और इनकी खुफिया खिदमत का तो कोई हिसाब ही नहीं। ये वही शख्स था जिसने नैरोबी के अंदर ये मैयत कमेटी का आइडिया दिया था, और बागोमया के अंदर अगरचे इमाम सुल्तान शाह का एक फरमान था, उस आने की इजाजत नहीं, लेकिन तुम लोग हमेशा महीने में एक मरतबा उम्मे सलमा के घर पे या बीबी फातिमा के घर में एक लेडीज गैदरिंग करे, और वो गैदरिंग के अंदर पिछले महीने के दरमियान जितने मर्द गुजर गए, औरतें गुजर गई, उसके रूह के सवाब के लिए दुआ मांगोगे तो तुम औरतों को, उन मर्दों को जो कंधा देने का सवाब मिला है, तुम औरतों को ये सवाब मिलेगा। आज तीसरी तारीख है शाबान की, रसूलुल्लाह ने फरमाया आज से ये गैदरिंग मजलिस शुरू कर दो, और हमारे तरीके में त्रीजी तारीख की मजलिस राइज की गई लेडीज की, जो इसका नाम अभी समर छांटे की मजलिस है। हम इस तरीके से अव्वल मंजिल तक पहुंचाकर खाक को खाक के हवाले कर देते हैं, पाक चीज अपनी जगह चली जाती है। मैं यहां पर एक चीज बयान करूं कि 1934 के अंदर एक कार एक्सीडेंट हुआ था बॉम्बे के अंदर, जिसमें एक नौजवान का इंतकाल हुआ। उसका जो वालिद था बड़ा मालदार था, कॉटन और चावल का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने जाहिर है कि जवान बेटे का इंतकाल हो, बड़ा दुख हो,
लेकिन उस शख्स ने बड़े धूमधाम की बड़ा खर्चा किया और दीनदारों गोदानी की मजलिस के बाद इसने लोगों को दावत देकर जो खाने का अरेंजमेंट किया था तकरीबन 5,000 के करीब लोगों को दावत दी। घर के नीचे चार चार शामियाने लगे हुए थे, सड़क पूरी बंद थी। ये तो खैर खैरियत से वाकया हो गया, लेकिन इस्माइलियों में ये बड़ी चर्चा हुई, गैरों में बड़ी चर्चा हुई कि 5,000 को खाना खिलाया, कितना खर्चा किया। इस ख्याल से कि इसके बच्चे की रूहानी को सवाब पहुंचे, 14 दिसंबर सन 1933 में अगरचे इमाम सुल्तान शाह बम्बे आ चुके थे, कभी कलकत्ता जा रहे थे, कभी दिल्ली जा रहे थे, और चलते चलते आखिर बम्बे आए और दीदार और मेहमानी का जब काम हो रहा था तो इस शख्स ने मौला के हुजूर में मेहमानी रखी थी ये अंधेरी जमात के अंदर कि या मौला ये मेरे मरहूम फर्जंद की रूहानी की मेहमानी है जिसके इंतकाल को चंद ही दिन गुजरे हैं। तो मौला ने उसको देखकर एक दीनदारों सवाल किया, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत अजीज था, बहुत प्यारा था? जी खुदावन, बाप हूं, किस बाप को बेटा प्यारा नहीं? अगर तेरा बेटा तुझे इतना प्यारा था तो तुम्हारे बेटे के रूह के सवाब के लिए तुमने कुछ किया? तो उसने जो किया था उसका जिक्र किया, ये क्या वो क्या, 5,000 आदमियों को खिलाया, सब कुछ किया। मौला ने फरमाया कि किस मजहब में लिखा हुआ है कि दूसरों को खिलाने पिलाने से किसी रूहानी को सवाब पहुंचे? जाऊं जमात खाने में, अपने बेटे के रूह के सवाब के लिए सलवात की तस्बीह निकालो, ये वो चीज है जो तुम्हारी रूहानी तुम्हारे बेटे को सवाब पहुंचाएगी, बाकी सब इमटीरियल बेकार चीजें हैं। उसने तौबा की और इसके ऊपर अमल किया। लेकिन हमारे यहां शहर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इलाके में जो पहिया है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। हम तो उससे भी चार गुना आगे बढ़ गए हैं कि गोदानी की दुआ होती है, 5-6 आदमी यूं घूमते हैं, 5-6 औरतें यूं घूमती है, आप जमात खाने के बाद आइए, जमात के बाद घर के अंदर जूरा चक के जाइए। ये कौन सा जूरा? सूरह इब्राहिम के अंदर 17वीं आयत में पूरे कुरान के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जुर्रा, जे रे एन ये, थोड़े को कहते हैं, जुर्रा यानी थोड़ा, लिटल बिट, थोड़ा उठाओ और थोड़ा चखो, जो पाठ के ऊपर है। ये नांदी जो है ना, ये भी जुर्रा नहीं, जुरा जो यहां गिफ्ट दुआ कराने से मिलती है या मजलिस में मिलती है, वो जुरा जो किसी और किचन से हम पकाते हैं, पता नहीं किसी होटल से या कैफे स्टूडेंट से पककर खाना देख वहां पहुंचता है हमारे घरों में, नीचे शामियाने बंधे हुए, 5-4 आदमी यहां, 5-4 औरतें यहां, घर पे आना, जुरा चक के जाना, ये क्या मतलब? उसको जुरा कहते हो जो जमात खाने से गुजर के क्या? और फिर जुरे के अंदर क्या होता है जिसको जुरा कहते हैं?
अचार होता है, सलाद होता है, बहुत कुछ, और बाद में चखने के बाद, यानी उसको चखना कहते हैं, यानी पेट भरना, तो जाते वक्त एक शख्स खड़ा होगा गेट के ऊपर, आपने पेट भर के जूरा खाया। अब जूरे को भी पेट भरने की बात करते हैं। अगर करना है आपकी मर्जी, लेकिन खुदा के वास्ते इसको जुरा मत कहो, खाना कहो तो अच्छा लगे। लफ्ज जुरे की तोहीन तो न हो कम अज कम। अभी मैंने ज्ञान का पाठ शुरू में पढ़ा था, इब्तिदा में, और मैंने आपको ये बताया था कि पूरे किस तरह इंसान की मैयत होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज पे लेकर गोर कब्र खोद कर फिर आदमी चले जाते हैं। मगर ज्ञान के अंदर पी सदरुद्दीन ने जो अल्फाज थे, मैंने कहा कि मैं आखिरी में बयान करूंगा, वो अल्फाज क्या है। बने पी सदरुद्दीन सुनो गतियों मोमिनों, गुरमुखे दीजे वस्त ए प्यारी, गुरमुखे दीजे ये ए वस्त प्यारी। हम इसका मतलब लेते हैं कि नांदी, जो अच्छी चीज लगती है वो जमात खाने में दे दो। क्या ये इतनी प्यारी है, हमें खुद पता ही नहीं है, घर के मर्दों को पता नहीं, बच्चों को पता नहीं, या किसी को पता नहीं, हमने नांदी में भेजा। क्या सच कहो, अपने दिल से कहो कि वो प्यारी चीज थी। प्यारी चीज क्या है, उसका जिक्र भी हमारे ज्ञान के अंदर है। एक वीरा मारा भाई जी, लक्ष्मी छे प्यारी, दौलत सबसे बड़ी प्यारी चीज है, माल धन पुत्र सर में सर्वे कार्मी, फानी है सब, अंत काले अपना साहेब बिना दूजा नहीं कोई जी। एक वीरा मारा बाई जी, वस्त छे दनीनी, तमे दनीने जई सौंप जो, तमे वेगे वेला जई पहुंचा जो। कौन सी चीज प्यारी चीज, कौन सी प्यारी, लक्ष्मी। मैयत का ज्ञान है, इंसान के अमाल के तरफ इशारा करते हैं कि अमाल में से सबसे बड़ी चीज तुम्हें जो प्यारी लगती है वो मौला को पहुंचाना, वो है मौला का हक, हके मालेवाज बाग। ऐसी रस्म है जो मौला ने फरमाया कि तमाम रस्मों से ये मुख्तलिफ है, जो हमेशा चलने वाली नहीं। एक वक्त आएगा, जैसे चोर चोरी करके चला जाता है सुबह को, तुम्हें पता चलता है, इस तरह दसौन बंद हो जाएगा। सबसे प्यारी चीज है दौलत, हमने कमाई सब दुनिया में छोड़ दी, अगली दुनिया के लिए हमने कुछ किया, सैलरी जब आती है ना, तनख्वाह जब घर के अंदर होती है ना, तो 25-30 जरूरियात हमारे सामने होती है, दसों की याद ही नहीं रहता। 20-25 को पूरा करे कि दसों देवे, अगर नहीं देना है मत दो। ना देने वाला क्या कहता है, मौला कोई पैसे का मोहताज थोड़ी है। कितना हम इनडिसेंट अल्फाज यूज करते हैं, नहीं देना है तो मत दो, मगर मौला को मोहताज क्यों कहते हो। मौला हमारे पैसे का मोहताज थोड़ी, मौला को पैसे की लालच थोड़ी। जरूरियात को सामने रखकर हम अगले महीने, पिछले महीने या जो भी है, दीनदारों दसों छोड़ देते हैं, हम पर बोझ पड़ता है, इसका असर मौत के बाद होता है। इसलिए प्यारी चीज वेगे वेला, कबल इसके कि मेरे सामने जरूरत बढ़ती जाए,
मैं मौला के हवाले कर दूं। अगर मौला के हवाले कर दोगे तो जो 20-25 जरूरत सामने आती थी वो 5 भी नहीं रहेगी, 4 भी नहीं रहेगी, 1 भी नहीं रहेगी। लेकिन ना देने का मतलब क्या हुआ, गौर से सुनिए आज की ये बात। ना देने का मतलब क्या हुआ कि हमने दसौन खा ली। कितना ताकतवर हमारा मैदा है, पेट है कि हम खा सकते हैं। और चीज नहीं, ये प्यारी चीज हम हजम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। डायमंड जुबली जब हुई थी 1946 के अंदर, उस मौके पर कलकत्ता की रानीपुर की महारानी, कलकत्ता से दूर एक जगह है, एक गांव है, छोटी रियासत है रानीपुर, वहां की महारानी ने अक्सर माता इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवात वाले को इन्विटेशन भेजते थे कि हिजाने साहब जब भी आप रानीपुर आओ, आओ कलकत्ता आओ तो रानीपुर की जरूर विजिट करना। मौला हमेशा जवाब देते थे कि हम आएंगे, जरूर आएंगे, रानीपुर की विजिट करेंगे। अब इस रानीपुर के अंदर एक डोरा जी जमात के एक मर्द और उसकी बीवी, दो मियां बीवी रानीपुर के अंदर रहते थे। वहां चमड़े साफ करने का कामकाज होता था। जरा गौर से सुनिए प्लीज, इतनी बदबू उस गांव के अंदर थी जहां चमड़ा साफ किया जाता है या कैनिंग की जाती है जब उसकी, कि गांव के अंदर चार चार पांच पांच इंच जितनी कीचड़ रहती थी और कोई स्मेल ही नहीं रहता था। चमड़ा साफ करना झुग्गियों के अंदर ये रहते थे गरीब लोग। इसमें से सिर्फ दो जीव इस्माइली मौला के मुरीद गरीब रहते थे। घर का दरवाजा या बंद करो या खुला रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर और अंदर कीचड़ थी। यहां जब गोल्डन जुबली हो रही थी, रानीपुर की महारानी ने इमाम सुल्तान शाह को फिर रिमाइंड किया कि हिजाने साहब आप रानीपुर क्यों नहीं आते हो। तब मौला ने प्रॉमिस किया कि अब हम आएंगे। अब ये इस्माइली दीनदार थे, गरीब हालत में रहते थे, दो आना एक आना या चार आना मजदूरी मिलती थी। जो रकम दसौन की बनती थी, घर के ऊपर छत के ऊपर एक जगह बनाई थी उसमें डाल देते थे। और इनका ईमान था कि यहां से याली बापा मौला अपनी रकम ले लेता है, कभी मुड़ के उसके तरफ देखते नहीं थे। चाहे एक पाई हो दो पाई हो दसौन वहां ड्रॉप कर देते थे। डायमंड जुबली का मौका था, मौला डायमंड जुबली पूरी हुई, कलकत्ता आए बाय प्लेन। अब मौला ने अपने दो अमलदारी जिसमें से एक हुजूर वजीर अली मोहम्मद आर मकलाई और चीफ वजीर हसन अली जवेरी को मौला ने फरमाया कि तुम कलकत्ता में रहो, हम अकेले रानीपुर जाएंगे। खुदावन, जाहरी तौर से आप कभी रानीपुर गए नहीं हो, वहां कीचड़ है। मौला ने फरमाया कि हमें सब रोशन है लेकिन हम जाएंगे अकेले। एक गाड़ी ली, ड्राइवर को बताया कि हम अगर कहे राइट तो राइट साइड पर चलो, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड पर चलना, हमें रानीपुर पहुंचाओ।
मौला अकेले गाड़ी के अंदर बैठकर रानीपुर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी रुकवाई, एक दुकान में दाखिल हुए, लॉन्ग शूज खरीदे मौला, इतने लंबे कोनी तक ग्लव्स खरीदे, पेन लिया, क्योंकि मौला को रोशन था कि उस जगह जाना है जहाँ चार चार पांच पांच फीट जितनी कीचड़ होती है। रानीपुर मौला उतर गए, गाड़ी कीचड़ के अंदर फंस गई, आगे बढ़ नहीं सकती थी। मौला गाड़ी से बाहर उतरे, ड्राइवर रुक गया और रानीपुर के गांव के अंदर अपना कदम रखा। एक एक झुग्गियों से गुजरते 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 इस इस्माइली दीनदार के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। दोनों चमड़ा साफ कर रहे थे, एक चारपाई थी, एक तख्ता था, छोटा सा किचन जैसा एक प्राइमस था और थोड़े से बर्तन थे और कुछ नहीं था घर के अंदर। मौला खड़े हो गए गेट के पास, दरवाजे के पास। जब इन लोगों ने मौला को देखा कि मौला हमारे घर के दरवाजे पर आए, हमारे आंगन आए हैं और घुटने से नीचे तक कीचड़ में मौला के पांव हैं, दोनों उठकर मौला को जमीन पर अपनी पेशानी रखने के गरज से नीचे झुक गए। मौला ने उसका सर पकड़ लिया, उठा लिया, बिठाया, दुआएं दी। अब मौला को हम कहां बिठाए? मौला वहां तख्ता पड़ा था, कपड़ा बिछाया गया, मौला वहां बैठ गए, मौला से बातचीत कर रहे हैं। कोई तकलीफ तो नहीं आपको? देखिए यह हालत है, एक तो तुझे रोशन है, ऊपर से तू देख रहा है कि हम कितनी तकलीफ में, फिर भी तू कह रहा है कि कोई तकलीफ तो नहीं। हम तो ढेर सारी तकलीफें बयान करते। नहीं मौला, कोई तकलीफ नहीं, खुश हैं हम लोग, कोई तकलीफ नहीं। हाजी इमाम के नुमाइंदा जब ईरान गया, जिस बाद किरमान के एक इलाके में दुश्मनों ने एक इस्माइली की दो टांगे काट दी थी, दो हाथ काट दिए, कैसी शक्ल होगी? दरक के पास बैठा हुआ था मौला का नुमाइंदा, जब रिपोर्ट लेने के लिए जमात की रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा था, जब ये दिस बात ईरान के इस गांव में पहुंचा तो एक एक आदमी का इंटरव्यू ले रहा था कि उस शख्स को देखा, उसकी परवरिश उसकी बहन कर रही थी, दो टांगे घुटने तक कटी हुई थी, दो कोनियां कटी हुई थी, क्या हालत होगी? मौला का दीनदार था, सच्चा आशिक था, अपना जिस्म घुमा दिया। तो इस शख्स ने, मौला का जो एजेंट था नुमाइंदा, इसने फोटो लिया तो उसने मना किया। उससे पूछा कि आपकी बड़ी उम्र है माशाल्लाह, आपको यहाँ के इस्माइलियों के बारे में काफी इल्म होगा, आप हमें कुछ बताओ ताकि मैं अपनी रिपोर्ट में लिखकर मौला को बताऊं, पेश करूं, एक शर्त पर, मेरी ये हालत का तुम्हें जिक्र नहीं करना मौला के पास, क्योंकि उसको सब रोशन है, कहीं पर भी रिपोर्ट में मेरा जिक्र नहीं करना, न मेरी तस्वीर उतारना, क्योंकि मेरे मौला को सब रोशन है। हम मौला के पास दुआएं मांगते हैं ना, कितनी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, एक दुआ जिससे हम हमेशा महरूम रहते हैं। सुबह को चार तस्बीहां जो पढ़ते हैं, इसमें से एक तस्बीह है या वहाब, बिला मांगे बख्शने वाला, इसका तर्जुमा है। अभी मांगा ही नहीं, दिल में आया ही नहीं, हलक पे पहुंचा नहीं, जबान पे आया नहीं, मांगो उससे पहले वो बख्शता है। वो तस्बीह किसको नसीब होती है जो सुबह को जमा खाने आता है? हम सिर्फ सतारे के लायक हैं, सतारे में तस्बीहों में आते हैं,
आठवें दिन देखते हैं तो जंगल पड़ा होता है, जोश आता है, जमाखाने आते हैं, फिर जोश खत्म हो जाता है। दिनदारों, दिन के मामले में ऐसी सुस्ती अच्छी चीज नहीं। अगली पिछली सब चीज भूल जाना चाहिए, सुबह की हाजिरी की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। ये चार तस्बीह, इसकी बरकत से घर के अंदर बरकत है, बीमारियां से बचते हैं, रोजी रोजगार में बरकत है, और न जाने अनगिनत इसके सवाब है। घर के अंदर हम सोए होते हैं, सुबह को हम नहीं जाते हैं, दूसरे जाते हैं, जैसे वो हमारी नुमाइंदगी करते हैं हमारे घर वाले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही जमात खाना भरना चाहिए, अच्छी तादाद ताकतवर हो जमात के अंदर, ये चार तस्बीह की ताकत हो, फिर कभी भी मांगने की जरूरत नहीं। सिर्फ या वहाब कहा, अरे हमें क्या पता कि तीन महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने के बाद हमारी ये तकलीफ उठेगी, ये जरूरत पेश आएगी, उसको सब पता है, मांगा नहीं। उससे पहले मौला बख्श देता है, मौला अगर दुआएं देते हैं तो कल परसों आने वाली तकलीफ अभी से निजात मिल जाती है। हमें तो एहसास ही नहीं इस चीज का, अभी हम खुश हैं इसलिए कि मौला की दुआ है। पूछते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं मौला, कोई तकलीफ नहीं, खुश है, खाते हैं पीते हैं। इस रानीपुर में कितने इस्माइली रहते हैं खुदावन, जहां तक हमें पता है, हम दोनों मियां बीवी रहते हैं। अच्छा, तो तुम मुखी हो, तुम मुखियानी हो। थोड़ी देर बातचीत की, अब क्या मौला को खिलाए, क्या पिलाए, क्या पेश करे। मौला उसके चेहरे की हालत देख रहे थे, बातें करते करते मौला ने फरमाया, मुखी, हमारी दसों का ऊपर देखते हैं कि जहां हम समझते थे कि वहां से मौला ले लेता है, ऊपर जाकर तख्ता रख कर ऊपर चढ़ा तो मौला ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, वो हमारी दसों है, हम लेंगे। मौला ने अंदर हाथ डाल के निकाला, जंग आलू जंग से लगे हुए पुराने सिक्के निकले, एक रुपया और 15 पैसे। सिक्कों को कीचड़ के अंदर पांव है, सिक्कों को मौला अपने हाथ से यूं साफ करते हैं, दो तीन सिक्के जमीन में गिर जाते हैं कीचड़ में, तो मुखी ने हाथ डाला, मौला ने उसका पंजा पकड़ लिया कि नहीं मुखी, इसको अभी तुम हाथ नहीं लगा सकते, ये हमारी रकम है। मौला ने कीचड़ में हाथ डाला और वो सिक्कों को निकाल कर अपने कपड़ों से साफ किया, एक रुपया और 15 पैसे को इस तरह साफ किया, बताया, देखो मुखी, वल्लाह ये सिक्कों को जो खाएगा उसका पेट फट जाएगा, जो ये सिक्कों को खाएगा उसका पेट फट जाएगा, कोई हजम नहीं कर सकता, हम हजम कर सकते हैं, यहां के लोग दसों नहीं देते, इसका मतलब हम हजम करते हैं, हमारे मैदे में ताकत है। और फिर इसकी तकलीफ 30 दिन को थी कि आलम बरज़ख के अंदर क्या तकलीफ होती है। तो ए वीरा भाई, ए वीरा मारा भाई, लक्ष्मी छे प्यारी, माल दन पुत्र सर्वे कार्मी, अंतकाले अपना साहिब बिना दूजा नहीं कोई जी, एक वीरा मारा भाई जी, वस्त छे धनीनी तमे धनीने जई सौंप जो, तमे वेगे वेला जई पहुंचा जो। ये अमानत हमें पहुंचानी है, और ये पहुंचाने के साथ मौला साथ फरमाते हैं, यही अफ्रीका की पहली मुसाफरी में फरमाया कि सिर्फ माले वाजबा देने से क्या फायदा,
तुम्हें 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया का काम करना चाहिए, बाकी 2 घंटे जमात खाने में आकर इबादत करो, यानी सुबह और शाम। ये हाजिरी हो, हर शख्स का अंतकाल आसान होता है। हार्ड टाइम है दीनारों, बहुत हार्ड टाइम है। आजकल हम हालात दुनिया के देखते हैं, बाजी दुनिया की पलट रही है, हिस्ट्री दुनिया की चेंज होती जा रही है, तरह तरह के हमारे जहन में शकुशुबात हैं, दुनिया में ये क्या हो रहा है, हमारे पीरों ने हमें क्या बताया, क्या होगा। ये तमाम चीजों को सामने रखकर सबसे बड़ी और ताकतवर जो चीज और दौलत है वो है हमारे ईमान की सलामती। अगर जिसका ईमान सलामत है वो सही मायना में धनवान है, दौलतमंद है। जिसके पास दौलत हो मगर ईमान नहीं, वो सबसे ज्यादा ज़हीफ है। इमाम ने फरमाया कि ईमान का ताल्लुक दुनिया की दौलत से नहीं, ईमान के ऊपर उतराव चढ़ाव होता है। मौलाना आगा हसन अली शाह ने फरमाया, इस तरह सीधे हाथ को जोर से अपने बाजू पर लगा के फरमाया कि देखो जब तुम सोते हो बिस्तर पटेला ये हिस्सा टच करता है, ये हिस्सा बिस्तर को टच करे, बाजू का ये हिस्सा बिस्तर को लगे टच करे, इसके पहले दुआ मांगो कि या मौला मेरा ईमान सलामत रखना। न सिर्फ अपने हक में मौला ने फरमाया, कुल दीनदार के हक में भी दुआ मांगो कि कुल इस्माइलियों का ईमान सलामत रखे। बड़ा सख्त जमाना है, पल पल ये दौलत इतनी प्यारी, इतनी खतरनाक चीज कि हमारे ईमान के साथ खेलती है। बॉम्बे का सबसे बड़ा व्यापारी, तांबे पीतल का व्यापारी, सोने का व्यापारी सेठ हबीब इस्माइल कसारा का नाम बुजुर्ग लोगों ने जरूर सुना होगा। जामनगर से 1870 में ये बॉम्बे आया था, पीतल और तांबे का व्यापारी था सेठ हबीब कसारा। जो इस्माइली, जिस इस्माइली के यहाँ शादी हो, मुखी की स्लिप मुखी देता था। सेठ हबीब इस्माइल कसारा की दुकान पर वो अगर शख्स जाता वो स्लिप लेकर, तो इसको तांबे और चांदी के बर्तन एक पूरा सेट, डिनर सेट सेट करके उसको पैक करके तोहफे के तौर पर देता था। बड़ा सखी और जेनरस शख्स था, लेकिन ईमान उसका खराब हो गया, जिसकी हम इस वक्त वजह बयान नहीं कर सकते। 1930 में अशनाश्री बन गया ये शख्स। इसका इंतकाल 1934 के अंदर हुआ था। आखिरी तक इस्माइली गरम, आखिरी 4 साल में इसने छोड़ दिया था, लेकिन इसके जो 4 बच्चे थे, मोहम्मद अली, अहमद, दाऊद और गुलाम अली, ये इससे भी ज्यादा बाप से मालदार थे। सन 1942 में बॉम्बे की मोहम्मद अली रोड पर दादा मंजिल के नीचे इसने एक बैंक बनाई थी, जिसका नाम हबीब बैंक रखा था। पार्टीशन के बाद ये लोग कराची आए थे और मेरी ओर टावर में इसने इस बैंक की बुनियाद रखी और एक ब्रांच यहाँ पर खोली थी। शिया था, इस्माइलियों का दुश्मन, अपनी बैंक और न जाने कितने बिजनेस से इस्माइली गरीबों का उस दौलत से ईमान खरीदता था। लियारी खड्डे मार्केट, खारादर, पटेल पाड़े, इस इलाके के गरीब इस्माइलियों को सस्ते दाम में आटा, गोश्त, दूध, अंडे वगैरह फराहम करता था।
सिलाई की मशीन देता था, कपड़े देता था, इतना कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी मजलिसों में इसको ले जाता था और कई इस्माइलियों का ईमान खराब किया था। इस शख्स का अगर से इंतकाल, यानी मोहम्मद अली जो मेन शख्स था जिसका इंतकाल अगर से 30 मार्च 1959 में हुआ था, 1951 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान शाह जब पाकिस्तान तशरीफ लाए, वजीर डॉक्टर पीर मोहम्मद हुदबाई जब मौला के हुजूर में ये मौलाने से जब पूछा, मेट्रोपोल होटल में मौला ने क्याम किया था, मौला से अर्ज की कि यहां कराची में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये हबीब बैंक वाले मौला के सामने साफ खुलकर इसने बताया, ये हमारे दीनदारों का ईमान खरीदता है, गरीबों का ईमान परचेस करता है और इस तरह एक प्रॉब्लम खड़ा किया है। मौला ने फरमाया, सेठ मोहम्मद अली को अपनी दौलत के ऊपर नाज है, हमारे रूहानी बच्चों का ईमान खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से। इसको ये पता नहीं कि जिस दौलत पर तुम नाज करते हो वो आज तुम्हारे पास है, कल हमारे पॉकेट के अंदर आ जाएगी। आज यही बैंक का मालिक मौला है। हमने देखा पिछले साल ईमान खरीदने के लिए कई ऐसे फैक्टर काम करेंगे, ईमान को मजबूत करने के लिए बहुत कम फैक्टर काम करते हैं। दीनदारों, मैंने आपका बहुत सा टाइम लिया, आप जमात ने बहुत खामोशी से मुझे सुना, कुछ गलती वगैरह हो आप मुझे दरगुजर करके माफ करना, मगर जो मकसद है उस मकसद को हमेशा अपने साथ ले जाना। आखिर में हम दुआ गुजारी करेंगे, मौला आप सब को सुखी सलामत आबाद रखे, मौला ईमान की सलामती दे दे, हर किस्म के वसवसों से बचाए, हर बुरी नजरों से बचाए, मौला खिदमत का शौक पैदा करे, दिलों को रोशन करे, अपनी हकीकी मार्फत अता करे, हकीकी रहमत से मालामाल करे, अबदी सुकून से नवाजे, मौला बदियों से बचाए, जान माल औलाद में बरकतें देवे, अपनी रूहानी गोद में जगह देवे, मौला अपनी मोहब्बत में रखे, अपनी याद में रखे, अपनी मीठी नजरों में रखे, अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने कब्जे में रखे, अपनी रहमत में रखे, हमारी आरज़ू व उमंगें पूरी करे, मौला नाउम्मीदों से बचाए, कर्ज बीमारी और टेंशन से बचाए, सब्र से मालामाल करे, आपको बरकतें देवे, आपको तंदुरुस्ती देवे, मोहताजी से मौला बचाए, मौला बेरोजगारों को रोजी देवे, अपना जाहरी बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे। गत जमात के है जिंदा सलवात पर हो दीनदारो अल्लाह।